नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सिंगल फेज रेक्टिफायर विथ आर लोड के बारे में पढ़ा, तो अभी हम एल लोड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड डायोड रेक्टिफायर के इंडक्टिव लोड का डिस्कशन हम करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम दो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, सर्किट डायग्राम एंड वेवफॉर्म, और इसके आगे हम फिर कैलकुलेशन के लिए अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले समझते हैं इसका सर्किट डायग्राम हम कैसे डेवलप करेंगे। बच्चों, इसके सर्किट डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने एक सप्लाई वोल्टेज लिया, दैट इज Vs, Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। मेरे पास एक अनकंट्रोल्ड स्विच यानी डायोड है, उस डायोड का नाम मैंने डी रखा। उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मुझे मिलेगा Vd, याद रखिएगा बच्चों, Vs स्टैंड फॉर वोल्टेज, डी फॉर डायोड यानी डायोड का वोल्टेज है। यहाँ लोड कैसा है बच्चों, प्योर इंडक्टिव लोड है। आपको याद होगा मैंने कुछ कंडीशंस बताए थे इनिशियल डिस्कशंस में, कि कैसे हम जब एक एनालिसिस करते हैं तो कुछ आइडियल कंडीशंस हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ लोड प्योर इंडक्टिव है, तो एल लोड हमने लिया प्योर इंडक्टिव लोड, जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मिल रहा है, दैट इज वी नॉट। जो करंट सर्कुलेट होगा बच्चों इसके अक्रॉस, वो लोड करंट कहलाएगा, दैट इज आई नॉट। तो जो सप्लाई वोल्टेज Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा t है, वो एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है। इस सर्किट को पूरा करने के लिए एक मैंने स्विच लगा है, स्विच को जब क्लोज करूंगा, आइडियल स्विच है। जैसे ही वो स्विच क्लोज होगा, डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगा। जैसे ही स्विच हमारा ओपन होगा, डिवाइस में सप्लाई यानी बंद हो जाएगी। तो अब आइए बच्चों, सर्किट डायग्राम के बाद इसके वेवफॉर्म को एनालाइज करते हैं, जो कि इसके सर्किट डायग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंडेंट है। वो ध्यान से समझिएगा बच्चों, Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा t इसका सप्लाई वोल्टेज था, तो Vm sin ओमेगा t का वेवफॉर्म साइनसोइडल वेवफॉर्म होगा। तो साइनसोइडल वेवफॉर्म होने की वजह से बच्चों, आप देखिए इसका एक साइन जैसा वेवफॉर्म बन रहा है, जिसमें जीरो से पाई एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पाई से टू पाई नेगेटिव हाफ साइकिल है, फिर टू पाई से थ्री पाई पॉजिटिव, और थ्री पाई से फोर पाई एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। जो वोल्टेज का एक्सिस है बच्चों, दैट इज Vs, और जो टाइम का एक्सिस है वो है ओमेगा t। ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। जो इस वेवफॉर्म का मैक्सिमम वोल्टेज आएगा बच्चों, वो कितना है, दैट इज Vm, Vm, Vs स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, m स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम, मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि वेवफॉर्म में ही हम मैक्सिमम वोल्टेज साइनसोइडल फॉर्म में लिए हैं। तो Vm sin ओमेगा t इसका RMS वैल्यू है, जो इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आइए बच्चों, हम आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं, वी नॉट का वेवफॉर्म कैसे बनेगा। तो उसके लिए आप सर्किट का वर्किंग ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। स्विच को मैंने क्लोज किया, मेरा डायोड का जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव, कैथोड जो है बैटरी का नेगेटिव से कनेक्ट हुआ। ऑटोमेटिक मेरे डायोड बच्चों हो गया फॉरवर्ड बायस में। जैसे ही मेरा डायोड बच्चों फॉरवर्ड बायस में गया, डिवाइस में कंडक्शन स्टार्ट होगा, मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा, जो आपको जीरो से पाई तक का वोल्टेज दिख रहा होगा। अब ये डिफरेंट है किससे, रेसिस्टिव लोड से। कैसे डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि रेसिस्टिव लोड में पाई से टू पाई के बीच में कोई वोल्टेज का वैल्यू नहीं था, लेकिन यहाँ आउटपुट वोल्टेज में मुझे नेगेटिव साइकिल दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है, आई होप आपने समझ लिया होगा, क्योंकि यहाँ लोड इंडक्टिव है। इंडक्टिव लोड बच्चों पॉजिटिव, जो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल था वहां तक अपने आप को चार्ज कर रहा था, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा था, दैट इज वी नॉट। अब उसी वैल्यू को जब मेरा डिवाइस में नेगेटिव साइकिल आएगा, मींस पाई पे मेरा एनोड हो जाएगा नेगेटिव, कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव, तो मेरा डिवाइस डायोड रिवर्स बायस में जाने की कोशिश करेगा। उसी टाइम में इंडक्टर का एक्शन स्टार्ट होगा, और इंडक्टर अपने वी नॉट वोल्टेज के साथ डायोड को सपोर्ट करेगा कि नहीं, आपको ऑफ होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ज्यादा वोल्टेज दे रहा हूँ Vs के कंपैरेटिवली, आप तब तक ऑन रहो जब तक मेरी वोल्टेज ज्यादा है, यानी आप फॉरवर्ड बायस में रहोगे। तो जैसे ही इंडक्टर से वोल्टेज वी नॉट उसके अक्रॉस अपीयर होगा, डिवाइस वापस से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और उस केस में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब ये नेगेटिव की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये डिपेंड करेगा बच्चों इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू पे। अगर इंडक्टेंस कम होगा तो जल्दी खत्म हो जाता है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज कम रेंज के लिए मिलता है, और अगर इंडक्टेंस के इंडक्टिव वैल्यू हाई है, चार्ज ज्यादा है उसने वोल्टेज किया है, तो वो उतने टाइम तक मुझे ऑन रखेगा फोर्सली अपने डायोड को। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको याद होगा बच्चों, स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है फ्री व्हीलिंग डायोड का, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड इसी नेगेटिव स्पाइक को रिमूव करता है। कब, जब लोड कैसा हो बच्चों, इंडक्टिव हो। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे एक्ट करेगा और इस नेगेटिव वैल्यू को खत्म करेगा।
तो बच्चों फिर से जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपका इंडक्टर तब तक डिस्चार्ज हो चुका होगा और 2π से 3π के बीच में आपके एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव मिलेगा और आपका डिवाइस फॉरवर्ड बायस में काम करना स्टार्ट करेगा, आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर से अगला जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, इंडक्टर वैसे ही एक्ट करेगा जैसे फर्स्ट साइकिल के नेगेटिव साइकिल में एक्ट किया था। अब बच्चों करेंट की बात करते हैं, करेंट का वेवफॉर्म भी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जो रेसिस्टिव लोड था उसमें करंट की जो वैल्यू थी सिर्फ पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में मिली थी, एम्पलीट्यूड कम था लेकिन रेंज वही था 0 से लेकर 5। यहाँ आप देख रहे हैं करंट का जो रेंज है वो 0 से 2π तक है। क्यों है बच्चों? क्योंकि मेरा डायोड तो ऑफ ही नहीं हुआ, नेगेटिव साइकिल में भी डायोड कंडक्ट कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल में भी डायोड कंडक्ट कर रहा है। और इसका रीजन कौन है बच्चों? इंडक्टिव लोड, इंडक्टर जो चार्ज हो गया उसके वजह से वो डिवाइस को ऑन करके रखा है। इसीलिए इसमें जो करंट का जो वेवफॉर्म बनेगा, करंट का जो मैक्सिमा होगा वो कहाँ होगा बच्चों? पाई पे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल का जो बीचों बीच होगा वहां पे करंट का मैक्सिमा होगा। शुरू में करंट की वैल्यू बढ़ेगी और बाद में करंट की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ आर लोड की तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, ये प्रिफरेबल नहीं है और इसीलिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज करते हैं। तो अभी हमने बच्चों क्या समझा कि अगर इंडक्टिव लोड है, प्योर इंडक्टिव लोड है, तो कैसे प्योर इंडक्टिव लोड नेगेटिव साइकिल में भी डिवाइस को, डायोड को टर्न ऑन करके रखता है फोर्सली और उसकी वजह से नेगेटिव साइकिल में आउटपुट मिल रहा है प्लस साथ में करंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों में मुझे मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बच्चे यही इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।